हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन के ऊपर कुछ आपकी क्योरीज हैं, प्लस ईआर का जो एग्ज़ाम का फॉर्म आया हुआ है उसके लेकर भी कुछ क्योरीज है। हमने इसी वीडियो में हमने दोनों ही जो टॉपिक्स हैं उनको हमने इंक्लूड कर दिया है ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो ताकि और स्टूडेंट जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है उन तक गाइडेंस पहुँच पाए। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, एडमिशन शुरू हो चुके हैं आप सभी के फिफ्थ सेमेस्टर के। आपके डैशबोर्ड पे फॉर्म का लिंक आ चुका होगा और जिनके डैशबोर्ड पे लिंक नहीं आया है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली कुछ स्टूडेंट के लिंक नहीं आया था, बट धीरे धीरे करके एडमिशन फॉर्म सबके डैशबोर्ड पर धीरे धीरे करके आ रहा है। ठीक है, अब आपके सबसे बड़ा जो कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मन में ये रहेगा, सर मान लीजिए मेरा थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में अगर मैं फेल हो गया हूँ या मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए, क्या मुझे फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा? तो यस, आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि नोटिस के अकॉर्डिंग उन सभी स्टूडेंट को प्रमोशन मिलेगा जिन्होंने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जिन्होंने या तो एग्ज़ाम नहीं दिया हो या वो एग्ज़ाम में फेल हो गए हो। ठीक है, और एक चीज़ और, फिफ्थ सेमेस्टर का प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा फिफ्थ सेमेस्टर का भी, प्लस उन सब्जेक्ट का भी जो सब्जेक्ट या तो आप जिसमें एब्सेंट हो या जो सब्जेक्ट आपने नहीं दिए, जिनका पेपर आपने नहीं दिया या जिनमें आप फेल हो गए हो। ठीक है, तो आप वो चेक कर लेना, जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो टिक का ऑप्शन आप टिक करोगे, वो आपके सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे और उनमें आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरा जो सवाल स्टूडेंट पूछते हैं, सर मान के चलिए मैंने अपनी अटेंडेंस शीट सबमिट कराई हुई है बट मेरा जो फॉर्म निकल चुका है, बट उसमें अभी भी मुझे जो सब्जेक्ट में जिसमें ए बी है वो अभी मुझे शो कर रहा है, या मैंने रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म डाल रखा है बट मेरा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँ, मैं फॉर्म भरूँ या नहीं भरूँ? तो फॉर्म आप भर दीजिए और उन सब्जेक्ट पर भी टिक कर दो जिसमें आपका एब्सेंट है या जिसमें आपकी एफ आ रखा है या जिसमें आपकी ई आर है। ऐसी कंडीशन में होगा ये कि अगर एग्ज़ाम तक अगर अपडेट हो जाता है तो उसे कटवा देना, उसे का एग्ज़ाम मत देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपडेट नहीं होता है तो फिर एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि रिस्क क्यों लेना, रिस्क लेना कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने मान लीजिए आपने वो फॉर्म नहीं भरा जिसमें ईआर है और आपने रीवैल्यूएशन का वेट कर रहे हो और रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है उसमें भी अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपके पास कोई भी और अलग मेथड नहीं बचेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आप ईआर जिसमें भी वो फॉर्म भी फिल कर दो, इसके साथ 400 रुपये एक्स्ट्रा ही लगेंगे पर रिस्क नहीं रहेगा। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछ रहे थे, लास्ट डेट क्या है आपके फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन फॉर्म की? तो देखिए, वैसे तो अभी कोई लास्ट डेट अनाउंस नहीं की गई है, जैसे तो पूरा एक महीना आपके एडमिशन चलने वाले हैं, बट SOL ये कहता है कि एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक आपके पास टाइम होते हैं, मतलब एग्ज़ाम शुरू होने से 15 दिन पहले तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो विद लेट फीस, मतलब जो भी लेट फीस SOL की है उस लेट फीस के अकॉर्डिंग आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अल्टीमेट लेट फीस उन्होंने बोला है, मतलब हो सकता है वो 200 रुपये भी हो, 500 रुपये हो, 500 रुपये से ज़्यादा कोई अल्टीमेट फीस होती नहीं, ज़्यादा 1100 रुपये आप मान सकते हो कि हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, बट ये भी अच्छा है कि ऑप्शन है आपके पास कि हाँ, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, तो बाद में फॉर्म भर सकते हो, बट एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। अब ज़्यादा कंडीशन में होता ये है कि मान लीजिए ऑनलाइन लिंक अगर चला जाता है, क्योंकि लिंक जाएगा जरूर एक महीने के अंदर, हो सकता है डैशबोर्ड से लिंक हट जाए, बट अभी अगर आप फॉर्म नहीं फिल कर पाए ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर पाओगे, आपके पास क्या चारा रहता है? तो आप एक काम कर सकते हो, जो फॉर्म है आप SOL नॉर्थ कैंपस जाके भी फिल कर सकते हो, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। शर्त यही है 15 दिन पहले तक आपके पास टाइम है, आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। बाकी तो अभी कोई लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है, समझो ना बात, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी कोई लास्ट डेट नहीं है, शर्त यही है 15 दिन पहले तक आप विद लेट फीस के साथ अपना जो फॉर्म है सबमिट कर सकते हो। फिलहाल कोई लेट फीस नहीं लग रही है, अभी ये पूरा महीना एडमिशन विदाउट लेट फीस के आपके होने वाला है, लिंक ऐसा नहीं चला जाएगा, लिंक अभी है। और अब देखिए, जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, अब उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये है, सर फी रिसिप्ट कब तक आई? तो फी रिसिप्ट आना शुरू हो चुकी है, पेमेंट करने के 48 घंटे के अंदर फी रिसिप्ट जनरेट हो जाती है आपके डैशबोर्ड पे। अगर अभी तक आपका फी रिसिप्ट नहीं आया, थोड़ा सा और वेट कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड बार पेमेंट ना करे, अगर किसी ने 2 बार पेमेंट कर दिया, पहली पेमेंट भी कट गई दूसरी भी कट गई, तो ऐसी कंडीशन में मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, आपका जो स्टेटमेंट है उसको निकलवाइए, उस स्टेटमेंट को निकलवा के नॉर्थ कैंपस जाइए, उनको बोलिए सर मेरे से 2-2 पेमेंट हो गई है, पहली पेमेंट मेरी रिफंड कर दी जाए, दूसरी पेमेंट आप रख लो जिससे एडमिशन मेरा कन्फर्म हो जाए।
ठीक है, तो यही एक चाह रहा है अगर आपको रिफंड चाहिए। बाकी अपने बैंक में भी आप कॉल करके बोल सकते हो कि मेरा पेमेंट कट गया, मेरा एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, तो बैंक के द्वारा भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, प्लस सोल में जाके भी इस चीज़ को आप बोल सकते हो। रिफंड कब तक होगा इसका कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि रिफंड जब भी होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका जो पेमेंट है वो रिफंड हो रहा है, देन रिफंड आपको मिल जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर। बट वो मैसेज कब तक आता है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, कोई ऑफिशियल डेट इसकी नहीं है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ पहली बार के बाद दूसरी पेमेंट करने में फिलहाल के लिए बचे, दूसरी पेमेंट जब तक ना करें जब तक पहली पेमेंट का कुछ अता पता ना हो। या तो पहली पेमेंट या तो एडमिशन कन्फर्म आपका हो जाएगा या वो रिफंड हो जाएगी आपके अकाउंट में, ठीक है। अब तीसरा सवाल जो स्टूडेंट पूछते हैं, सर क्या ईआर का एग्जाम का फॉर्म भी हम फिफ्थ सेमेस्टर के साथ फिल कर सकते हैं? तो आप ईआर का एग्जाम का फॉर्म भी फिफ्थ सेमेस्टर के साथ फिल कर सकते हो, ठीक है। अब एक सवाल और, अभी ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो जो कमेंट्स बॉक्स में मैंने देखे उन क्वेश्चंस को मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सवाल और आता है स्टूडेंट का, सर मान लीजिए मैंने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन ही नहीं लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मान लीजिए सर मैंने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन ही नहीं लिया, क्या मुझे फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, SOL के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि मान लीजिए अगर आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हो या फेल हो जाते हो तो आपको एडमिशन मिलेगा। बट वहाँ उस नोटिफिकेशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि अगर आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते हो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। मतलब एक तरीके से आपको रजिस्टर होना जरूरी था अगर आपको फिफ्थ सेमेस्टर में लेना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा रखा था पहले से ही तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में आसानी के साथ एडमिशन मिल जाएगा। जिन्होंने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन ही नहीं कराया तो उनके डैशबोर्ड पे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का ही फॉर्म शो करेगा, ठीक है। चांसेस ना के बराबर है कि फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म शो हो जाए, क्यों? क्योंकि आपने अभी तक तो एडमिशन सेकंड ईयर में ही नहीं लिया तो थर्ड ईयर में कैसे होगा? अगर आप पहले से सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते तो आपको हो सकता था कि फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाए। तो इनके चांसेस ना के बराबर है कि उनको थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा, उनको तो सिर्फ सेकंड ईयर में ही एडमिशन हो सकता है जिन्होंने एडमिशन कराया ही नहीं है सेकंड ईयर में, ठीक है। तो यही मैं आपको नोट करके बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को डाउट्स डालती है, इसलिए मैंने कमेंट्स बॉक्स से प्रॉब्लम्स उठाई, उनका सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं ईआर वाले बच्चों के ऊपर। अब देखिए ध्यान से, 2019 का बैच, 2020 का और 2021 का बैच, अगर आपकी किसी भी सेमेस्टर में ईआर है तो आप सभी को भी फॉर्म इसी समय फिल करना है। आपके डैशबोर्ड पर आ चुका होगा लिंक, जाइए फॉर्म फिल कीजिए। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डेट अभी फिलहाल कुछ है नहीं, वही सेम है, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। लास्ट डेट फिलहाल अभी कोई है नहीं। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मान के चलिए अगर जो भी ईआर का फॉर्म आपके में डैशबोर्ड पे शो नहीं कर रहा है, गलत ईआर का फॉर्म शो कर रहा है, ऐसी कंडीशन थोड़े दिन का वेट कीजिए, एरर है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, पेमेंट की बात करूँ तो जैसे मान लीजिए अगर आपकी एक सब्जेक्ट में ईआर है तो एक सब्जेक्ट का अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो टोटल जो फीस जाएगी वो 1100 रुपये के तकरीबन जाएगी। बार बार मैं कह रहा हूँ 1100 रुपये ही आपकी फ़ीस जाएगी। आप कहोगे 1100 रुपये कैसे? 400 रुपये आपकी सब्जेक्ट की फ़ीस रहेगी इम्प्रूवमेंट की, प्लस 500 रुपये आपका रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन की, जो इस सेशन में रजिस्ट्रेशन हुआ है, प्लस जो 100 रुपये 200 रुपये लगते हैं वो आपका कुछ GST का जो भी हिसाब किताब वो लगता है, 100 रुपये पर एक्स्ट्रा लगते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर 1100 रुपये एक सब्जेक्ट की अगर आप भरते हो तो वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं है कि आपसे ही लिया जा रहा हो, सबके लिए रूल सेम है। तो जिसमें भी ईआर है वो फिल कर दीजिए, फॉर्म नहीं शो कर रहा वेट कीजिए, शो करने लगेगा। और एक चीज़ और, फीस अगर बात करूँ फिफ्थ सेमेस्टर की कितनी है, तो फीस तकरीबन 4000 है विदाउट ईआर सब्जेक्ट, ठीक है। और एक चीज़ और, फर्स्ट सेमेस्टर का वही इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो जिसमें आपकी बैक है, बाकी जिसमें आप पास हो चुके हो उसका भी इंप्रूवमेंट नहीं भर सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। चीज़ को भी नोट कर लीजिए। अब कुछ और चीज़ें और जान लेते हैं। ईआर का मैंने बता दिया, फिफ्थ सेमेस्टर का बता दिया कि स्टडी मटेरियल वगैरह का क्या रहने वाला है। वैसे तो मैंने थंबनेल पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तब भी बताता हूँ। फिलहाल स्टडी मटेरियल के लिए आपको वेट करना होगा, जैसे अपॉइंटमेंट स्टार्ट होता है हम आपको अपडेट कर देंगे। और आप PDF अवेलेबल है, PDF डाउनलोड कीजिए, उससे स्टडी कीजिए और देन फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म आ गया है। और जिनका भी फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म शो नहीं कर रहा है, सब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म शो कर रहा है, अगर आपने पहले एडमिशन करवा रखा था बट आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो, सेमेस्टर में फेल हो चुके हो, तो जब तक वेट करो जब तक फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म नहीं आ जाता, और एक हफ्ते के अंदर फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म नहीं आता, नॉर्थ कैंपस जाइए, उनको बोलिए सर मेरे में फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म शो नहीं कर रहा है, सब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म शो कर रहा है। अगर आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन उसमें करवा रखा है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया सेकंड ईयर में पहले से, तो आपका फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म शो नहीं करेगा। बार बार कह रहा हूँ, ना के बराबर चांसेस है।
छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी पूरा मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, सिलेबस अवेलेबल है, स्ट्रक्चर अवेलेबल है। एग्ज़ाम आपके दिसंबर में, टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है, फाइनल भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।